जैनथोमा, ये लक्षण जो है आँख के ऊपरी परत पर या निचली परत पर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। येलो सफ़ेद जो है वो स्पॉट दिखाई पड़ता है, ये गोल हो सकता है या कैप्सूल टाइप का हो सकता है। दोस्तों यह बीमारी उन लोगों को होती है जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के पाठक, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक विशेष प्रकार की स्किन रोग की बीमारी के विषय में चर्चा करूंगा, उसका नाम है जैनथोमा। जैनथोमा के लक्षण जो है आँख के ऊपरी परत पर या निचली परत पर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। येलो सफ़ेद जो है वो स्पॉट दिखाई पड़ता है, ये गोल हो सकता है या कैप्सूल टाइप का हो सकता है। दोस्तों यह बीमारी उन लोगों को होती है जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है, अर्थात पेट साफ नहीं होता है, गैस बनता है या अन्य पेट की बीमारी जुड़ी हुई होती है। ऐसे लक्षण उन्हीं व्यक्तियों में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों ये टालने वाली बीमारी नहीं है, इसका इलाज ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों यह बीमारी कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होती है और कभी कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, जब लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है, फिर भी ये बीमारी दिखाई पड़ती है। तो आप ये समझ जाइए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, इसलिए कुछ ऐसी दवा आपको लेनी है जिससे आपका मेटाबॉलिक क्रिया सही हो जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे काम करने लगे, तो यह बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और इस बीमारी से अन्य बीमारी जो है का कोरिलेशन होता है, जैसे बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन व हार्ट अटैक या स्ट्रोक, इस सब टाइप की बीमारी इससे हो सकती है, इसलिए इसका इलाज अत्यंत आवश्यक है। मैं आज आपको एक ऐसा होम्योपैथिक मिक्सचर बताऊंगा और उसी के साथ में एक टेबलेट बताऊंगा, जिसे लेने से आपका पेट भी सही रहेगा, गैस नहीं बनेगा और मेटाबॉलिक क्रिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, जिसके कारण ये जैनथोमा नामक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दवा मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पहली दवा है पल्साटिला 30, दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 30 और तीसरी दवा है थूजा 30। इन तीनों दवाओं की 30-30 ml की फाइल जो है दुकान से लाना है और साथ में एक 30 ml की खाली साफ शीशी ले आइए और उसमें इन तीनों दवाओं की बराबर मात्रा अर्थात 10-10 ml मिला दीजिए और कायदे से सेक करके इस मिक्सचर को अर्थात इस कॉम्बिनेशन को रख लीजिए और सुबह दोपहर शाम 3 बार 4-4 बूंद इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ में जो है एक दवा है फेल्टरी 6x, इसकी 2-2 गोली जो है चूसते रहिए और लगभग 15-20 दिन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपका मेटाबॉलिक क्रिया सही हो जाएगी, गैस बनता है वो भी ठीक होने लगेगा, यदि बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा, कुल मिला करके आप काफ़ी कुछ आराम महसूस करेंगे। तो इस दवा को जो है कंटिन्यू रखिए और दोस्तों याद रखना है कि आप चिकनी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें व जो है मीट इत्यादि का इस्तेमाल कम करें, यदि बंद कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, यदि आप एल्कोहलिक हैं तो एल्कोहल भी पीना बंद कर दीजिए व आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी बंद कर दीजिए धीरे धीरे। अगर आपकी आदत नहीं छूटती है तो आप कमेंट करके मुझसे इसके छोड़ने की दवा भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।